हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज इंटरैक्टिव क्लासेस। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल वर्क इन हिंदी एंड दिस इज योर हिंदी राइटिंग बुक अक्षर लेखनी। बच्चों, आज हम हिंदी में वर्क करेंगे और ये आपकी हिंदी की राइटिंग बुक है अक्षर लेखनी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 24 और अब हम आपकी हिंदी राइटिंग बुक के पेज नंबर 24 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 24 खोलेंगे। एंड आर टूडेज टॉपिक इज झ, झ से झरना। झ, झ से झरना। झरना किसे बोलते हैं? झरना बोलते हैं एक तरह का जहां से कि पानी निकलता है, पहाड़ों पे होता है। ये अधिकतर हमें पहाड़ों पे देखने को मिलता है, जहां पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे और वहां पहाड़ों से बीच में से पानी आ रहा होता है, उसको बोलते हैं झरना। राइट, तो आज का हमारा टॉपिक है झ, झ से झरना। तो दिस इज झ, ये है झ। ठीक है, झ कैसे बनता है? झ थोड़ा थोड़ा, जैसे हम छोटी से इमली और बड़ी से एक बनाते हैं, उसकी तरह ही बनता है। देखिए, पहले हमने छोटी ई बनाई, फिर बीच में एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और ट्रेसिंग लाइन पर, और जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से झ बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें झ बनाने के लिए जैसे छोटी ई से इमली बनाते हैं, इसी तरीके से ये बनाना है ट्रेसिंग पर। राइट, ये बनाया, बीच में स्लीपिंग लाइन छोटी सी, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व बनाया एक, फिर एक और कर्व, फिर यहां से इसकी एक पूंछ निकाल देंगे, फिर बीच में छोटी सी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से झ से झरना बनाएंगे। राइट, तो ये पहले आप अपनी ट्रेसिंग वाली लाइंस को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से झ कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। ये देखिए, झ से झरना, झ, झ से झरना, झ, झ से झरना। राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई आपकी ट्रेसिंग वाली लाइंस। उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर हम क्या करेंगे, जो ये बीच की थ्री लाइंस हैं इनमें हम इस तरीके से जैसे ई से इमली के लिए डॉट लगाते हैं थ्री, उस तरीके से लगाएंगे और उसके आगे टू डॉट्स हम स्टैंडिंग लाइन के लिए लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व बनाएंगे इधर से, फिर एक कर्व इधर से और इसकी एक छोटी सी टेल निकालेंगे, फिर बीच में एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो बन जाएगा झ से झरना। राइट, तो ध्यान से देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, फिर एक और कर्व और फिर टेल निकाली उसकी, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर से स्लीपिंग लाइन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, फिर एक और कर्व, फिर उसकी टेल निकाली, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो इसी तरीके से हम अपनी बुक में और अपनी नोटबुक में झ से झरना लिखेंगे। राइट, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। पहले थ्री डॉट्स हमें ई से इमली की तरह लगाने हैं और उसके आगे टू डॉट्स हमें स्टैंडिंग लाइन के लिए लगाने हैं। स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व, फिर छोटी सी टेल बनाई, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया झ से झरना। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप अपनी बुक में पेज नंबर 24 पर झ से झरना बनाएंगे। और अब चलते हैं आपकी हिंदी की नोटबुक पर। एंड नाउ दिस इज योर हिंदी नोटबुक और ये आपकी हिंदी की नोटबुक है। तो जिस तरीके से हमने अभी बुक में झ से झरना बनाया था उसी तरीके से हम अपनी नोटबुक में भी झ से झरना बनाएंगे। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी डॉट्स लगाए हैं, देखिए थ्री डॉट्स आगे और टू डॉट्स उसके पीछे। तो ये झ से झरना बनाने के लिए हमें ये डॉट्स लगाने हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व और ये छोटी सी टेल बनाई, फिर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया झ से झरना, राइट। इसी तरीके से हम बनाते चलेंगे अपनी नोटबुक में। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, एक और कर्व, फिर बीच में स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो ये बन जाएगा झ से झरना, झ से झरना। अगर आपको ई से इमली बनानी आती होगी तो आप बहुत ही इजीली इसको बना लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सबसे दिक्कत तो आपको इसी में आएगी, उसके बाद तो स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, ये तो आप एकदम से बना लेंगे, है ना। तो ई से इमली आपको उसके लिए आनी चाहिए, तभी आप झ से झरना भी अच्छे से बना सकते हैं। तो झ से झरना, इस तरीके से हम बना लेंगे अपनी बुक और नोटबुक में, राइट स्टूडेंट्स। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने डॉट्स लगाए थे, उसी तरीके से आप अपनी बुक में और नोटबुक में डॉट्स लगा के झ से झरना लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।